क्या यूपी चुनाव में षड्यंत्र के जरिए अखिलेश को हराया गया? रामगोपाल यादव ने क्यों उठाई ईवीएम पर सवाल? क्या बैलेट पेपर से चुनाव होता तो नतीजे कुछ और होते? गठबंधन के घटक दलों से अखिलेश को फायदा या नुकसान? उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए हैं, नई सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन अब चुनाव परिणाम पर तमाम दल मंथन करने में लगे हैं। खासकर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो भले ही चुनाव परिणाम को भुलाकर आगे की रणनीति बनाने में जुटे हों, लेकिन चुनावी नतीजों ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी चौंकाया है। इसी का नतीजा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने चुनाव परिणाम पर पहली बार ऐसा बयान दिया जिसने एक बार फिर ईवीएम और प्रशासनिक अमले पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दरअसल जिस तरह की भीड़ अखिलेश यादव की रैलियों और रोड शो में दिख रहा था, उससे तमाम राजनीतिक पंडित और चुनावी गुणाभाग करने वाले सियासत के चाणक्य भी ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। कई सर्वे तो यहां तक दावा कर रहे थे कि प्रदेश में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन जब नतीजे आए तो उसे देखकर तमाम लोग चौंक गए, सारे सर्वे धरे के धरे रह गए। अब इसी को लेकर रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो निश्चित तौर पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी की जीत होती बल्कि पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीतती। वहीं दूसरी ओर रामगोपाल यादव ने गठबंधन के घटक दलों के बारे में भी कहा कि गठबंधन का हमें फायदा हुआ है, हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और पिछली बार की तुलना में हमारी सीटें भी ज़्यादा आई है, जिससे ये साबित होता है कि अखिलेश ने जो रणनीति बीजेपी को हराने के लिए बनाई थी वो सही साबित हुई है, लेकिन बीजेपी ने षड्यंत्र और सत्ता का दुरुपयोग करके लखनऊ की कुर्सी को दोबारा हासिल कर लिया। गौरतलब है कि अखिलेश ने मतगणना से पहले भी आशंका जताई थी कि चुनाव परिणाम में गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने सपा प्रत्याशियों और समर्थकों से स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ा पहरा देने की अपील की थी। खैर, अब अखिलेश यादव को अगले 5 सालों तक विपक्ष में रहना है, लिहाजा वो पीछे देखने के बजाय आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं और अपने तमाम नेताओं से आगे की चुनावी परीक्षा में जुट जाने की अपील कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव के बाद हर पार्टी मंथन करती है, चुनाव में मिली हार के कारणों को तलाशती है ताकि भविष्य में अच्छे परिणाम के लिए काम किया जा सके। ऐसे में अब देखना होगा कि अखिलेश यादव अगले 5 सालों में कैसे जनता को अपने पाले में करते हैं, क्योंकि बीजेपी और उसके चुनावी मशीनरी से अगर जीतना है तो पहले दिन से जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जनता का भरोसा जीतना होगा, तभी 27 में उसका फल मिल सकता है।